ये स्टेप है। अगर आप चाहते हैं आपकी चीक बोन एकदम अट्रैक्टिव रहे, मलाइका अरोड़ा की तरह एकदम तिकी तिकी लगे, ये देखिए ये वाला स्टेप है। आपने इस तरह के हुक बनाना है और ऊपर की तरफ खींचना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारे नु मित्र फती बहुत बहुत प्यार, क्या हाल चाल है। आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। और आज का ये जो मैजिकल सिरम मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो कम से कम 500-600 रुपए से कम का तो मिनिमम है कि आपको मिलेगा, इससे बढ़ के ही मिलेगा अगर आप अच्छे ब्रांड में लेने जाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे आप कोकोनट ऑयल में मात्र 2 इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे और आप अपनी स्किन के ऊपर पाएंगे गजब का ग्लो, एकदम व्हाइट एंड आपकी स्किन। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको आज का ये सिरम जरूर से जरूर रात को सोने से पहले अप्लाई करना है। इसके साथ ही अगर आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां हैं, अगर आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स हैं, अगर आपको अपनी एज कम करनी है यानी कि अपनी एज से आपको कम दिखना है, तो आपको इस तरह के सीरम को अपनी स्किन पे जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और ये ऐसे सीरम है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मान लो आप मार्केट के कुछ ऐसे सीरम खरीद रहे हैं जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सीरम हम लोग घर पे बनाते हैं बहुत ही नॉर्मल नेचुरल तरीके से बनाते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ में बनाते हैं, इसलिए हमारी स्किन पे इसका नुकसान नहीं होता है। झाइयों से, रिंकल से और झुर्रियों से निजात पा सकते हैं अगर आप सही तरीके से अपना स्किन केयर करते हैं। तो कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो अपना देना चाहती हूँ। मैं हूँ रेखा सिंह, इस चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ और यहाँ पर मैं इसी तरह के सिंपल DIY आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपका ढेर सारा स्वागत करना चाहती हूँ, मैं पूरी मेरी फैमिली की तरफ से। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला आइकॉन दबा दीजिएगा। फ्यूचर वीडियो देखते हैं कैसे हमने इस सीरम को तैयार करना है। इसको तैयार करने के लिए आपको आधा घंटा पहले एक चीज को भिगो के रखना है। क्या है वो चीज? वो है केसर। जी हाँ, आपने एक अलग सेपरेट बाउल में ले लेना है रोज वाटर। आपने अगर ये हफ्ते भर का बैच आप बना रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच आपको रोज वाटर लेना है और इसमें आपने 5 से 6 स्ट्रिंग डालनी है केसर की। तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट बाउल में हम 3 से 4 चम्मच रोज वाटर डालेंगे और इसमें 5 से 6 स्ट्रिंग हम डाल देंगे केसर की। इसको आपने साइड में रख देना है। अब हम तैयार करते हैं हमारा आज का सोल्यूशन। दूसरी तरफ हमें तैयार करना है एक अलग बाउल में एक सोल्यूशन। हमें सबसे पहले लेना है हमारी स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए कोकोनट ऑयल। दोस्तों आप लोग जानते हैं कोकोनट ऑयल आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है। चेहरे के ऊपर कहीं पर भी आपको फ्रिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी आपको रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, स्किन के ऊपर कहीं पर भी आपको सैगिंग दिखाई दे रही है, स्किन बूढ़ी दिखाई दे रही है, तो कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के रिंकल्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है और इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए नेसेसरी होते हैं। तो हमने कितना लेना है, जैसे कि मैंने बताया 7 दिन का अगर आप बैच बना के रखना चाहते हैं तो आप इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल कौन सा लेंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन वाला भी ले सकते हैं, सिंपल कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि दी आप कोकोनट ऑयल हमें बालों में जो लगाने वाला बोलते हैं वही आप फेस पे लगाने के लिए बोलते हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर बाल आ जाएंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। बालों की स्किन अलग होती है, फेस की स्किन अलग होती है, यहाँ पर बाल नहीं आएंगे आपके कोकोनट ऑयल लगाने से, ठीक है। ये आपके कलर को फेयर ही करेगा, स्किन को बहुत ज्यादा आपको विटामिन्स मिनरल जो चाहिए होते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। हमने ले लिया है कोकोनट ऑयल। हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स के ऊपर काम करने के लिए कोई ऐसा ऑयल जो हमारे डायरेक्टली हमारी एजिंग के ऊपर काम करता है, उसमें 2 ऑयल्स मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। एक है क्लोव ऑयल, दूसरा है मेथी ऑयल। अगर आपके पास क्लोव ऑयल है आप ये डाल सकते हैं, अगर आपके पास में टी ट्री ऑयल है आप वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास वाइटमिन ई का एक कैप्सूल है आप उसको भी एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने क्लोव ऑयल लेके रखा है, बहुत अच्छा हमारी एजिंग के ऊपर काम करता है और जिस एज में मैं हूं मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किन के लिए रेमेडीज तैयार करती हूँ, उसमें एजिंग का बहुत ज्यादा एक हाथ होता है, तो मैं अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वाली चीजें देती हूँ। तो प्रोसेस है वो तो होना ही होना है, लेकिन कैसे हम उसको डिले कर सकते हैं ये आप मेरी हर रेमेडी में देखेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप क्लोव ऑयल का, बहुत आसानी से आपको राशन की दुकान पे ये मिल जाता है, ठीक है। 1 ही ड्रॉप डालना है, इससे ज्यादा मत डालिएगा। हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। मार्केट वाला एलोवेरा लेना है आपने, घर वाला नहीं लेना है अगर आप लंबे समय के लिए इसको बना के रखना चाहते हैं। मार्केट वाले जो एलोवेराज होते हैं वो आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर ही काम करते हैं। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में आपको हाइड्रेशन मिल जाता है, आपकी स्किन के लिए जो एक जान चाहिए होती है हमें अपनी स्किन के ऊपर वो आपको इसमें एलोवेरा में मिलती है। गंतव्य का आयुर्वेदा का लिया हुआ है तो आप इस ब्रांड का भी ले सकते हैं।
बहुत अच्छा काम करता है, मैं पिछले 2 साल से इसको यूज कर रही हूँ। डाल के आपको इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत लगेगा आपको, लेकिन आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से। नेक्स्ट जो चीज हम इसमें डालेंगे उसके पहले हमें इन तीनों चीजों को मिक्स करना है अच्छे से, बढ़िया से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद में आपको दिखेगा ये ना ऑयल और एलोवेरा मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने रोज वाटर केसर वाला भिगो के रखा था, वो भी आप छोटे छोटे पोर्शन में इसमें मिक्स करेंगे, एकदम से ही सारा नहीं डाल देंगे, ठीक है? एकदम से डालेंगे फिर ये अच्छे से ना क्रीम फॉर्म में नहीं बनके मिलेगा, जैसा हमें ये मिला हुआ है इस तरीके से आपको ये नहीं बनेगा, फिर आपका ना बहुत ज्यादा अलग अलग दिखेगा तो मजा नहीं आता उस क्रीम को लगाने में। ये देखिए कितना बढ़िया सा, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, देखिए कितने बढ़िया से मेरी स्किन के ऊपर मैं लगा रही हूँ, बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट, एकदम आपको लगेगा भी नहीं कि इसको लगाने के बाद में अपने चेहरे के ऊपर आपने कुछ लगाया हुआ है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, थोड़े 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 क्वांटिटी में करके हम इसमें रोज वाटर जो हमने मिक्स किया था केसर के साथ में उसको मिक्स करेंगे। मुझे लगा कि मैंने रोज वाटर थोड़ा सा कम भिगोया है, तो मैंने रोज वाटर सिंपल वाला इसमें और एड ऑन किया, क्योंकि केसर इसमें ऑलरेडी डली हुई थी, ठीक है? तो आप जितना आप चाहते हैं, अगर आप इसको थिक बना के रखना चाहते हो तो रोज वाटर की क्वांटिटी को कम रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा इसको ज्यादा बना के रखना चाहते हैं यानी कि पतला बना के रखना चाहते हैं आप सीरम की क्वांटिटी में, जैसे कि मैंने बनाया है इस तरीके से, मैं थोड़ा सा ना मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से ये रखा होता है आराम से, और मुझे इसमें हाथ नहीं डालना है। किसी भी क्रीम को, घर की जितनी भी DIY क्रीम होते हैं उनको प्लीज आप हाथ से मत निकाला करो किसी भी कंटेनर में जब आप डालते हो इसको, ठीक है? कोई ना कोई स्पेचुला से या चम्मच से या लकड़ी का एक स्पेचुला आप देख लो उसके साथ में निकालिए, क्योंकि क्रीम्स खराब हो जाती है, हमने इनमें प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं डाले होते हैं, ठीक है? तो इस तरह की अगर आपके पास शीशी, जो कि बहुत हम लोग के पास में अक्सर क्रीम्स वगैरह की, सीरम्स वगैरह की आती है, तो मैं तो भैया उनको जब वॉश यूज कर लेती हूँ उसके बाद मैं अच्छे से स्टेरिलाइज करके इसको फ्रीजर में रख देती हूँ, धो धा के जब मुझे यूज करनी है ये मुझे मिल जाती है। तो देखिए कितना बढ़िया सा आपको इसमें केसर भी दिखाई दे रही होगी, बहुत अच्छी ये क्वांटिटी में आपकी बन गई है, इसको आप अपने साथ में इवन कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है ये भी बताती हूँ, और इसके साथ ही एक दो मसाजिंग स्टेप भी बता दूंगी, ठीक है? देखिए मेरा फेस धुला हुआ है, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, काजल लगाया, थोड़ा सा डिसेंट लुक अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको रात को फेस वॉश किया उसके बाद में हमने इसको अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर लेना, ठीक है जी? बढ़िया से अप्लाई करेंगे इस तरीके से, बढ़िया से, ठीक है? अब उसके बाद में हमने मसाज करनी है। देखिए अगर आप 40 प्लस हैं, इवन अगर आप 30 प्लस भी हो गए तो भी आपको अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है। आजकल खाना भी इतना कोई बहुत ज्यादा हेल्दी तो रहा नहीं है जो हमारी स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो देगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी है, तो हमें क्या करना है, अपने चेहरे के ऊपर मसाज करनी है। देखिए ठीक है, अच्छे से पहले हम इसको लगा लेते हैं और उसके बाद में हम मसाज करेंगे। मसाज करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये स्टेप है। अगर आप चाहते हैं आपकी चीक बोन एकदम अट्रैक्टिव रहे, मलाइका अरोड़ा की तरह एकदम तिकी तिकी लगे, ये देखिए ये वाला स्टेप है। आपने इस तरह के हुक बनाना है और ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है? अब आपने अपने गाल के ऊपर इस तरीके से मसाज करनी है, गाल को ऊपर की तरफ आपने मसाज करना है। सैगिंगनेस जितनी भी है वो सारी की सारी आपकी, जैसे आपका फेस बहुत ज्यादा लटक जाता है, सैग हो जाता है, ये वाला स्टेप उसको करना है, ठीक है? दोनों तरफ करना है, आपको दिखेगा 5 मिनट की मसाज से ही आपका चेहरा कितना ज्यादा गर्म हो गया है और लाल हो गया है, इसका मतलब है स्किन के ऊपर उसका रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए ठीक है जी, ये स्टेप्स होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। माथे को भी आपने इसी तरीके से मसाज करनी है ऊपर की तरफ, ये देखिए ठीक है, बहुत सिंपल मसाजेस हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और मसाज हो जाती है, और देखो सारी क्रीम गायब हो गई है, कहीं पे क्रीम बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा, मेरे साथ साथ में कर लिया करो, जब भी मैं अपनी रेमेडीज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही होती हूँ, वीडियो देखते देखते रेमेडी बना लिया करो, वीडियो देखते देखते मसाज कर लिया करो। होप करूंगी आपको आज की ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, शेयर जरूर करेगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर कौन से सिटी से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि कोकोनट ऑयल या जितने भी इंग्रेडिएंट मैं अपने रेमेडीज में यूज करती हूँ सारे के सारे ऐसे हैं जो हर गांव में, हर गांव छोटे से छोटे पेंडू गांव में भी आसानी से मिलता है। मैं ऐसी ही चीजें सिंपल एकदम आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा जरूर कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं।